तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ब्लॉग रहेगा, हम फोटो शूट करने जा रहे हैं और उन मतलब रील बनाएगा और मैं फ़ोटो शूट कराऊंगा क्योंकि फ़ोटो मेरे पास एक दो हैं। इसमें देख रहा हूँ ब्लॉग में लोग फोटो शूट वाला ब्लॉग काफ़ी चल रहा है, तो मैं भी सोचा कि एक ऐसा ही ब्लॉग बनाऊँ। ये देखिए मेरी टीम है, छोटी सी, तीन ही लोग हैं हमारी टीम में। कल मेरी बाइक का एक्सीडेंट हुआ, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, कल मेरी गाड़ी गिर गई थी, तो मैंने थोड़ा सा अपना देखो लोगो लगवाया हूँ, कैसा लग रहा है ये देखा यार, ये लोगो लगाया हूँ, मतलब कि थोड़ा स्क्रेच वगैरह आ गया था तो उसे बनवाया, तो सोचा मतलब इसे भी दिखा दूँ आप लोगों को। तो गाइस बताइए ये मेरा लोगो कैसा दिख रहा है, छोटा सा लगवाया हूँ। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने लोकेशन पर, क्योंकि एक मेरे मतलब कि इधर एक भट्ठा है, भट्ठा पर मतलब बैकग्राउंड अच्छा आता है और उन बोला कि वहीं रील शूट करने हैं, रील भी शूट करना है, तो खलीफा के सीक्रेट हम लोग जाएंगे वहीं पर फोटो शूट करेंगे और ब्लॉग भी शूट बनाएंगे। बने रहिए ब्लॉग में, चलते हैं अब भट्ठे तक मिलते हैं। तो गाइस देखिए हमारा भट्ठा ये है, आगे किसी का तो है, मतलब हमारे एरिया में पड़ता है, हमारे एरिया में आजमगढ़ में पड़ता है। इसके बाद बैकग्राउंड में देखिए एक पेड़ है, बहुत बढ़िया लगता है, ये वाला सूखा वाला पेड़ और ये वाला ये वाला दोनों, ये दोनों पेड़ बैकग्राउंड में बहुत अच्छा लगते हैं, जो मतलब कि फोटो शूट होगा रील शूट होगा इस रोड पर से होगा, बैकग्राउंड में ये सब पेड़ आएंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे फ़ोटो शूट करने, पहले वीडियो शूट होगा इसके बाद फोटो शूट होगा। ये इधर पर खड़ी देने, ये हमारा पार्किंग गाड़ी का। तो गाइस फाइनली हम अपने लोकेशन पर आ गए हैं, देखिए राहुल भाई आप हमारा चालू कर देते हैं। ये हमारा लोकेशन, पीछे बैकग्राउंड में भट्ठा है, ये पेड़ है, ये सूखा वाला पेड़ है, ये सब बहुत बढ़िया आता है। इसके बाद अंदर भट्ठा में जो ईंट वगैरह है वहाँ पर कभी और जाएंगे ब्लॉग बनाने, और शाम के टाइम इसको सपोर्ट मत करना, पासपोर्ट नहीं दे रहा है, देख रहा है। बताइए बैकग्राउंड कैसा है, क्योंकि यही सब बैकग्राउंड बहुत बढ़िया लगता है हम लोगों को, यही चलता भी है। अब इसके बाद अरुण का रील शूट होगा, रील शूट होने के बाद थोड़ा सा हम लोग फोटो शूट करेंगे। अरे दे दिला हो, अरुण सॉन्ग का प्रैक्टिस कर रहा है, इसके बाद मैं वीडियो शूट करूंगा उसका, उसके बाद हमारा मतलब ब्लॉग शूट होगा। देखिए अरुण अपने मतलब डांस का प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके बाद डांस होगा, डांस होने के बाद फोटो शूट वाला काम चालू होगा। देख रहे हो गाइस हम लोग मतलब रास्ता में, मतलब पक्की रोड नहीं है, कच्ची रोड है, आज में देखो पैर कैसा हो गया है, और ये भी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि ये भी मतलब रील शूट करेंगे, ये भी आज सोच रहा हूँ मैं भी एक रील शूट कर लूँ। कैमरा दा बोले तो अपन, तो देखिए एक हमारे सब्सक्राइबर रहे हैं, कैमरा है ये है निकोन का 5600D Z30 चार्ज कितना और बैटरी लगल है एक ही कैमरा है, इसी से फोटो भी शूट करते हैं, इसी से वीडियो भी शूट करते हैं। सो फाइनली गाइस मैं जा रहा हूँ शूट करने करेगा डांस, मैं वहाँ पर जाऊँगा, उसके बाद बैकग्राउंड में वो पेड़ रहेगा, तो ओंकार का काम है सॉन्ग बजाना और इनका काम है डांस करना, मेरा काम है शूट करना है, शूट करना। तो मैं जा रहा हूँ अपनी जगह, कैमरा चलूंगा, हमेशा कहा छुले ले लूँ, चलू ले तब का कल ही बात उन्होंने छुले बार। ओ यार तुम यार बैटरी निकल ले चार्जिंग लगे, देखना पड़ा तुझे वीडियो तक निकल ले। चलो ठीक है तैयार रहा जैसा हमने, तो गाइस मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर रवलिया भाई बना रहे हैं, कैसा लग रहा है। एक कैमरे मैन की जगह देखिए कहाँ पर है, तो गाइस आप कमेंट कर बताइए क्या ऐसी जगह होनी चाहिए कैमरे मैन की या फिर नहीं। देखिए डांसर की जगह कहाँ पर है और कैमरे मैन की जगह कहाँ पर है, तो आप देखकर जरूर बताइए। रील शूट हो गया और रील शूट होने के बाद हम लोग मतलब कि सन के अपोजिट साइड दो चार फोटो शूट कराएंगे, उसके बाद सन के सामने से भी फोटो शूट कराएंगे, अब चलते हैं सीधे फोटो शूट की तरफ। पूजा हमारे इकट्ठी तब ना।
चल बढ़िया, बस बस जरूर जरूर जरूर। कहाँ तो राहुल भाई गए अपने बाइक से खिंचवाने के लिए फोटो। बाइक पर भी मैंने अपने बैठकर फोटो शूट कराया, तो अरुण बोला कि बैकग्राउंड अच्छा है, तो सोचा कि मतलब कि बैकग्राउंड अच्छा है तो बाइक के साथ भी रील बनाना चाहता है, तो मैंने बोला बना लो भाई, फ़ोटो शूट मैंने करा दिया, अब दो चार फोटो और शूट कराऊंगा सन के मतलब सामने साइड से। तो गाइस सुरभान के अपोजिट मतलब मैंने फ़ोटो शूट कर लिया है, इसके बाद हम लोग मतलब सुरभान के इधर इस साइड से फ़ोटो शूट करेंगे, और हमारा कैमरा मैन इधर है और मैं फिर मैंने जा रहा हूँ। सब भट्ठे पे देखिए, रहा हमारा भट्ठा तो एक क्लिप थी जीसीबी की, तो वहीं आए अरुण और यहाँ पर हम सब फोटो भी शूट कराएंगे कुछ। तो राहुल भाई जा रहे हैं, ये देखिए इनका मैं लोगो दिखा देता हूँ आपको ध्यान से, ये देखिए। हाँ सही, तो आज देखिए कितना क्लियरिटी है, इतनी तो हमारी मोबाइल में भी नहीं है। सुन भाई इधर पे कैसे घाव लग गई है, एक्सीडेंट हो गया माने। तो गाइस इनका एक नाम भी है और भी है, सोनू भाई, तो हम सब उसी नाम से बुलाते हैं। पोज बता भी दे रहे हैं, कैसे मारेंगे। सो फाइनली गाइस हम लोग भट्टे वाले लोकेशन पे आए हैं और फोटो शूट हो रहा है, और देखिए कैमरामैन ओमकार इधर है, इसके बाद मैं फोटो शूट कराऊंगा, और बैकग्राउंड मतलब कैसा है लोकेशन ये बताइए। पीछे सुरभान है, अब थोड़ा और अपोजिट में मतलब उनकी फ़ोटो शूट कराऊंगा, तो ये बैकग्राउंड है, सब ऊंचा ऊंचा है, इधर एक बबूर का पेड़ है, ईट ऊट है वगैरह। देखिए हम लोग मतलब कि जो जिनका भट्टा है उनसे परमिशन लिए कि हम लोग फ़ोटो शूट करने आए, कोई दिक्कत तो बोले कि थोड़ा मतलब टाइम नहीं लगे, जल्दी से करा लीजिएगा, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, कम से कम 10-5 मिनट रहेंगे, इसको चले जाएंगे घर। सो गाइस तो ये देखिए के। सो फाइनली गाइस हम लोग का फोटो भी शूट हो गया और रील भी शूट हो गया इसके बाद इसके बाद हम लोग जाएंगे घर। जय हिंद, जय भारत।